अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए बनाते हैं आज कुछ स्पेशल, और ये मेरा ज़्यादा फेवरेट है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है काले मटर की सब्ज़ी। तो काले मटर वैसे भी मिलते हैं कच्चे, जो आप रात भर भिगा के रखें, और मार्केट में कई मार्केट में ऐसे भी मिलते हैं जो रात के भिगाए हुए होते हैं, वो सुबह गीले वाले होते हैं, तो वही वाले गीले वाले लेकर आते हैं, तो मैंने वही लेकर आए हैं। तो ये देख सकते हो मैंने मसाला पीस के रखा है, तो खोपरा, लहसुन, ज़ीरा और मिर्ची, और कांदा टमाटर काट लेना है, धनिया की बुकी, हल्दी की बुकी, मिर्ची की बुकी, और नमक आपके हिसाब से आपको ऐड करना है। सबसे पहले प्याज फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, जैसे मैं कड़ी पत्ता ऐड करती हूँ आपको पता है। उसके बाद उसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन करने के बाद आपको उसमें, जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके अंदर, तभी आपको टमाटर ऐड करना है, ठीक है। टमाटर और जो मसाला होता है हमारा खोपरे वाला, जो एवरी टाइम मैं यही वाला मसाला ऐड करती हूँ, आपने देखा होगा। तो आज शायद कोई आने वाला है घर पे, इसीलिए कौवा जो है यहाँ पर आवाज़ कर रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो ये देखिए मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, पिसा हुआ मसाला और जो मैंने मसाला रखा था वो ऐड कर दिया है। अब फाइनली इसको हम अच्छे से तरी आने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए तरी आएगी इसमें जब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, और इसको देखेंगे कि इसका कैसे सॉफ्ट हो रहा है, सॉटे हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। जब हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम ऐसे नहीं कि कुकर चढ़ा दिए और बैठ गए, आपको पूरा अच्छे से खाना बनाना है यहाँ पर रेडी करके, ठीक है, अच्छे से सारी चीज़ें करना है। देन जब पूरा बन जाए या सब्ज़ी या कोई कुछ भी, तो यहाँ से हटना है। तो फाइनली यहाँ पर हम खड़े हैं कि मसाले का जो पानी है थोड़ा सा वो हमने उसमें ऐड करके इसमें मिला दिया है। तो अब यहाँ तरी आ गई, आपको दिख रही होगी रेड रेड, ये तरी और थोड़ा अच्छे से उबाल देना है। इसमें काले मटर के साथ आप ना आलू भी ऐड कर सकते हो, आलू नहीं चाहिए तो बिना आलू के भी आप काले मटर की सब्ज़ी बना सकते हो। तो मैंने थोड़े से आलू ले लिए हैं क्योंकि बच्चों को आलू पसंद है, और बच्चों को देना भी चाहिए आलू, थोड़ा सा बच्चे जो दुबले होते हैं उनका थोड़ा फैट बढ़ जाता है, थोड़ा सा मतलब आलू खाना चाहिए। तो ये देखिए मतलब चने जो है, काले मटर जो है वो इतने भीगे हुए हैं कि वो आलू सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके साथ साथ मटर भी हो जाएंगे। तो ये फाइनली हो गया है, इसको अच्छे से जोश दे देना है, पहले पानी नहीं ऐड करना है। फिर जब लगे कि आपको सारा फाइनली हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेना है और सीटी लगा देना है। तो आपको आपके हिसाब से सीटी लगाना है, आपको कितना गला हुआ चाहिए, ज़्यादा मसला हुआ नहीं अच्छा लगता है। जो काले मटर होते हैं वो दिखाई दे अच्छे सॉफ्ट वाले तो ही अच्छा लगता है। तो इसको अभी हम लोग थोड़ा पानी डाल के ढक्कन लगा देंगे, और आपको जो धनिया है वो धनिया ऊपर से गार्निश कर देना है। एंड में भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ साइड में काट के साफ़ करके रख दिया है, यहाँ पर जोश आ रहा है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, आपको कितना पतला चाहिए, कितना सुरवे वाला चाहिए, वो हिसाब से आपको पानी ऐड करना है। फिर उसके बाद इसको ढक्कन लगा देंगे। तो फाइनली मैंने ढक्कन लगा दिया है कुकर का, ठीक है, कुकर में बनाओ ज़्यादा बेस्ट है, तो जल्दी गल भी जाता है। तो यहाँ ढक्कन लगा देंगे और दो से एटलीस्ट दो सीटी तो लेना है। दो सीटी आ गई तो आपको खुशबू से खुद ही पता चल जाएगा कि ये बन चुका है। तो फाइनली एक हाथ से वीडियो बनती है, एक ही हाथ से खाना वाना भी बनाना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, फिर बाद में मैं उसको सही कर देती हूँ। तो ये देखिए हमारी जो सब्ज़ी है बन के रेडी है, ऊपर से मैंने गार्निश कर दिया है जो धनिया है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। ऐसी बहुत सारी सिंपल सी रेसिपी मैंने ऐड की है, वीडियो बना ही रही हूँ ऑर्गेनाइज़ की और भी चीज़ों की, तो ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वाली कोई सब्ज़ी और रेसिपी लेकर, अभी तो बहुत सारी रेसिपीज़ बची है। बाय, टेक केयर ऑल।